हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने अपने घरों में मौज ले रहे हो भाई, जैसे कि मैं ले रहा हूँ। तो मेरी तो मौज भाई सुबह सुबह निकल गई है। देखो तुम अगर दिख रहा हो तो मेरे चेहरे पे देखो रेडनेस आ गई है। पता नहीं क्या हो गया, किसी चीज़ से एलर्जी हो गया यार सुबह सुबह। मतलब इतनी ज़्यादा खुजली, इचिंग हुई, छोटे छोटे दाने से भी आगे सिर दर्द सुबह सुबह। एसी चला लो, गर्मी हो रही। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी तो जा रहा हूँ जिम, और एक खबर तो तुम सब लोगों को मिली गई होगी। तुमको क्या मतलब, न्यूज़ में ही चल रही है सिद्धू मूसेवाला वाला सीन। तो मतलब यार अब तक तो अचानक से होता है ना, कभी कभी फील होता है कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। तो वो वाला सीन है थोड़ा कि उसके ही मैं थोड़ी देर पहले सो हाई सुन रहा था गाना, वन ऑफ द माय फेवरेट। पर भाई अब कुछ भी क्या कह सकते हैं, बस लेजेंड था भाई बंदा अपने हिसाब से। RIP है हमारी तरफ से भाई, रेस्ट इन पीस, आत्मा को शांति मिले उसकी और जिन्होंने किया है। वो देखते हैं पंजाब सरकार क्या करती है क्या नहीं, क्योंकि लोग तो खुले में बोल रहे हैं, लोग तो अब खुले में बोल रहे हैं कि हमने किया है, कर लो जो करते हो। तो देखते हैं भाई, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ जिम। मूड तो नहीं था मेरा व्लॉग करने का, लेकिन हो भी गए थे काफ़ी दिन व्लॉग किए, तो आज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो अब निकल चुका हूँ जिम भाई, जिम जाके चेस्ट करना। और तुम्हें मेरा चेहरा दिख रहा होगा यार, मतलब तुम लोगों को तो मैं स्मार्ट लग रहा हूँ लाल चेहरे की वजह से, पर मुझसे पूछो क्या हो रहा है, मेरे चेहरे पर ज़्यादा हो रही है खुजली। तो अभी जाके जिम करके आते हैं, फिर तुम लोगों को कंटिन्यू करता हूँ। और चेस्ट वर्कआउट करना है, हो सकता है मैं वर्कआउट डाल भी दूं अगर भीड़ ज़्यादा नहीं है। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हूँ आज जिम जाने में। टाइम क्या हो रहा है, मैं तुम लोगों को टाइम दिखाता हूँ। टाइम हो रहा है भाई 9:25, अगर तुम लोगों को दिख रहा है ठीक है, नहीं तो तुम्हारा भाई झूठ नहीं बोलता, 9:25 हो रहा है। तो चलो अब निकलते हैं जिम भाई। और भाई अब तुम मतलब लिटरली देख लो, अब यहाँ से गाड़ी निकालनी ना मेरी आत्मा को दुख दे देगी। यहाँ देख लो तुम, ये CNG वालों की लाइन, ये देखो ये CNG वाली लाइन, और यहाँ बस जाने वालों की लाइन, अब देख लो। और यहाँ ये बस वाले खड़े रहे, ओ जूस चल रहा है। अब देखो भाई तुम लाइन देखो यार, लाइन देखो ये। और तुम एक गाड़ी अगर मेरठ नंबर मिल जाए ना तो मैं नाम बता दूंगा अपना, एक गाड़ी ना मेरठ नंबर नहीं है। चलो खैर अब इनमें इतनी बुद्धि तो आ गई है कि ये जगह दे देते हैं जाने वालों को। और भाई कल ही गाड़ी धोई थी, लिटरली कल गाड़ी धोके बिल्कुल सही करी थी, रोशनी बिल्कुल चमक रही थी। और एकदम से उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है बारिश मस्त वाली। ओह शिट, उसके बाद हुई बारिश। जिस दिन मैंने गाड़ी धोनी है उस दिन बारिश होनी है, और फिर मेरी गाड़ी चमक जानी है। ऐसी गंदी हो गई है ना, ऐसी गंदी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है भाई। पर चलो जिम चलते हैं अब। पहुंच गया जिम भाई, टाइम देख लो मेरे जिम पहुंचने का, 9:35 आलस नेक्स्ट लेवल। तो भाई आज कर रहे हैं लोअर बैक का वर्कआउट, और देखते रहना मतलब पूरी, अगर तुम्हें वो लोअर चेस्ट डेवलप करनी है तो भाई ये वाला वर्कआउट देखना। ये पंखे की आवाज़ आ रही होगी यार, माइक की बहुत दिक्कत होती है, आई नो। तो अगर तुम्हें डेवलप करनी है तो देखते रहो। पहले लगा रहे हैं डिक्लाइन बेंच प्रेस, 4 सेट 15 से 18 रैप, लास्ट वाले में मारेंगे ड्रॉप। डिक्लाइन बेंच होगी, अब करते हैं केबल क्रॉस। तो दिखाता हूँ कैसे करनी है, उसके भी 4 सेट करने हैं, वही 15 से 18 रेपिटेशन रखने हैं, उससे सारा काम हो जाएगा। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो काम चला लेना यार, ज़्यादा तेज हल्ला मचा नहीं सकता हूँ यहाँ, बस तो मैं वो दे सकता हूँ। कुछ दिनों में मैं मतलब वीडियो बनाऊँगा अलग से वर्कआउट की, पर अभी इससे काम चला लो प्लीज़। वही अगर तुम गेन कर रहे हो तो 10 से 12 रैप, और अगर तुम श्रेड कर रहे हो तो 18। तो डिक्लाइन डंबल फ्लाई हो चुका है, और अब करेंगे बटरफ्लाई। और अगर भाई अच्छी ग्रोथ चाहिए तो मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन जरूर रखना, मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। तुम्हारी वजह से यहाँ के ब्लॉक कर रहा हूँ, समझ रहे हो, जिम के अंदर थोड़ा अजीब लगता है
क्योंकि मैं पहली बार तुम्हें पता ही है। तो वर्कआउट देखते रहो, बहुत सही है, पंप देख सकते हो, गजब पंप आएगा भाई, गजब देखता हूँ। ये वाला वर्कआउट ना ज़्यादा हैवी रखना है, ज़्यादा हल्का रखना है, और थोड़ा सा आगे होके बैठना, थोड़ा सा आगे। तुमने अगर मेरी पोजीशन देखी हो तो आगे होके बैठना है, मेरा हैक है। तुम्हारी जो ये वाली है मस्त आएगा भाई आउटर पे, तुम्हारी मस्त एकदम। तो ये वाला ट्राई करना भाई, मज़ा आने वाला है तुम लोगों को कसम से। अभी मेरी शायद चौथी एक्सरसाइज है, इसके बाद एक दो और फिनिशर मारेंगे मस्त वाले, और इसको बिगनर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, तो ट्राई ज़रूर करना। और भाई स्क्वीज करते रहा करो अपनी मसल को, ऐसे करके टाइट वाइट करके, जिससे तुम्हारा ब्लड फ्लो बना रहेगा तो अच्छी ग्रोथ आएगी। तो देख रहे हो मेरे हैक, ये सिर्फ मेरे हैक है, और मेरे चेहरे की बची हुई है। और ये वो जगह है जहाँ जिम में हर बंदा आना चाहता है, एसी के सामने, पर आज हमने घेर लिया, और जिम में वैसे भी कोई नहीं है, बस कुछ ही लोग हैं। तो भाई अगली करेंगे कौन सी, अगली करेंगे प्लेट बेंच प्रेस। देख रहे ना गर्मी बहुत है, और देखते जाओ फ्लैट बेंच तक आते आते तुम लोगों के अंदर ताकत तो बचेगी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर नहीं बची है, तो तुम लोगों के अंदर क्या बचेगी। पर ऐसा कोई कोई मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तो भाई फ्लैट बेंच करेंगे, और वही रेपिटेशन वही रखनी है अपनी 15 से 18, और धीरे धीरे कम करते रहेंगे। अगर नहीं लग रहे हैं तो भाई 12-13, या वेट कम मारना, कोई ऐसा नहीं है कि हैवी वेट लेकर लग गए और इंजरी करवा ली, इंजरी वाला कोई सीन नहीं है। तो चलो करते हैं। फ्लैट बेंच हो चुकी है, और मतलब मेरा जी निकल गया, मेरे पर लगना रहा एक सेट भी, पर मैं सारे करूँगा। अब करने मुझे पुलओवर, लास्ट एक्सरसाइज है पुलओवर की। ट्राइसेप्स सोच रहा था करने की, पर हिम्मत ना बची बिल्कुल भी, तो ट्राइसेप्स का लेंगे अलग दिन। और आज तो जी निकल गया, पर पंप देखो बोलो, तुम बैक कैमरे से पंप देखो अपने भाई, देख रहे हो मतलब। तो भाई तुम लोगों के लिए वीडियो बनाई है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, और कमेंट मुझे बहुत सारे चाहिए इस पर। और वर्कआउट करने के बाद मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा है, कमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। अब करेंगे अपना भाई ये मेरी बोतल, नो शॉर्टकट्स, मतलब स्टेरॉइड नहीं लेने, समझ गए। अब करेंगे पुल ओवर, और अगर तुम ऐसे ही करोगे यार, मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाओगे, तो फिर मैं भी लड़ाई करने लगूँ क्या, मैं भी कह दूँ क्या कि मैं ब्रह्मचारी हो रही हूँ, लड़ने लगूँ क्या भाई। तो भाई लड़ाई वड़ाई से दूर रहो, तुम लोगों को भी बता दे रहा हूँ, इस पर मैं बात करूँगा गाड़ी में बैठ के, स्टे ट्यून। अगर तुम लोगों की बात समझ में आती है तो समझ लेना दाने बै, हाँ। तो मतलब स्टे ट्यून रहो, अभी वर्कआउट ये हो चुका है फिनिश, ये सारा वर्कआउट तो सारा करना, वेट अपने हिसाब से रखना, हैवी वेट मत रखना, बस अपने आप को पुश करना। ये ना हो कि तुम 15 मार सकते हो पर 12 मार के हट जा रहे हो, क्योंकि जो बंदा अकेला वर्कआउट करता है वो नहीं कर पाता है। तो कोशिश करना खुद को पुश करो, कान में लगाओ ईयरफोन और ठोक दो वर्कआउट को। तो जो भी हो बताता हूँ, और अभी नीचे जाके गाड़ी में बैठ के तुमसे ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल यूट्यूबर्स की, वो भी बताता हूँ। भाई अपना जिम हो चुका है कम्प्लीट, और गाड़ी में करते हैं तुमसे बात इस कंट्रोवर्सी की, वो खड़ी अपनी रोशनी। और चलो चलो भाई पहुँच गए अपनी रोशनी के पास, रोशनी हमारा इंतज़ार करती है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, ये फेंकते हैं सब कर। अरे चाबी तो दे दो, गाड़ी कैसे चलाऊंगा। किसी ने देखो पीछे अपनी स्कॉर्पियो उड़ा दी, मेरा नू जी खराब हुआ है यार, बस अब चलो इसे पीछे करवाता हूँ। हाँ तो भाई मैं आ चुका हूँ घर अपने, और ठीक है अब करते हैं इस कंट्रोवर्सी पे आराम से बैठ के बात, मतलब ज्यादा देर तो नहीं लूंगा, क्योंकि और एक मुझे यार मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो कि इस कंट्रोवर्सी पे अपना रिएक्शन। तो भाई मेरे अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं है, और मैं ज्यादा कंट्रोवर्सी में घुसना पसंद भी नहीं करता। मेरे तो भाई राजवीर मेरा फेवरेट रहा है, रहा क्या है, अच्छा बंदा है, मतलब मुझे जितना लगता है, मैं ज्यादा क्लोज से नहीं जानता, पर ठीक है अच्छा है, पर देते सब हैं यार गालियां। और रूबल भाई को मैं ज्यादा नहीं जानता, रोडीज से उनको ज्यादा फॉलो करता हूँ, तो ठीक है रूबल भाई भी अच्छा आदमी यार, घर परिवार वाले आदमी है, तो ये गाली गलोच यार उनके लिए तो बिल्कुल भी मत यूज किया करो, ठीक है। वो आदमी बहुत कंट्रोल करता है जितना मैंने देखा, जितना मुझे लगता है, ठीक है बहुत कंट्रोल करता है, कंट्रोवर्सी से थोड़ा सा दूर रहता है। और ये जो कहते हो तुम साहिल खान का, ये भाई
तुम उनकी जगह जाके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। और भारत सिंह वालिया की रही बात, भाई उस बंदे को मैं बिल्कुल नहीं जानता, तो ठीक है, अब मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता, वो गलत है सही है, मैं इनके बारे में जानता हूँ। तुम लोगों को भी कहता हूँ भाई, गालियां मत दो, इन लोगों का मैटर है, ये सुलझा लेंगे। तुम इनके चक्कर में खुद भी गालियां खा रहे हो, तुम उधर से उधर दे रहे हो, उधर से उधर दे रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, क्या पता क्यों कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हो, है ना। तो दूर रहो यार, इंजॉय करो, उन कॉन्टेंट अच्छे हैं इन सबके। रूबल भाई का कंटेंट अच्छा है, राजवीर का कंटेंट तो इतना अच्छा है कि मैंने खुद फॉलो किया है, ठीक है। भारत सिंह वाली का नहीं किया, पर यार उसकी फिजिक बहुत अच्छी है, लिटरली मैं देखो जो बुरा नहीं बोलूंगा, जो है वो है, उसकी फिजिक बहुत सही है यार, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फिजिक मुझे उसकी लगती है इंडिया में। और राजवीर अलग किस्म का बंदा है, रूबल अलग किस्म का बंदा है, राजवीर कम्पीट नहीं करता, लेकिन वो नॉलेज अच्छी खासी, जितना मुझे लगता है उसको नॉलेज अच्छी खासी है। तो बस थोड़ा सा दूर रहो यार कॉन्ट्रोवर्सी से, कुछ नहीं होता, और सारे तुम लोगों के लिए ही YouTube पे हैं ये, इन्हें लड़ाओ मत, क्योंकि अभी पता है क्या, तुम गालियां उसे दोगे, उसकी उसे दोगे, उसे दोगे, मतलब तीनों को एक जो गालियां देंगे ना लोग, भाई कुछ नहीं होगा, वो कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी, और ज्यादा बकवास होगी, कुछ नहीं होता है, तुमने पहले भी देख लिया, अब भी देख लिया है, ये लोग आपस में बैठ बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है। तुम जितना इस बात को तूल दोगे उतनी बढ़ेगी, क्योंकि सब कुछ होता क्या है, मैं भी एक सब्सक्राइबर ही हूं, तो होता क्या है, सब कुछ हम लोगों से ही होता है, हम लोगों से बढ़ता है, तो दूर रहो भाई, छोटी मोटी बात है, ये आराम से सॉल्व हो जाएगी। अभी जितना तुम्हें, जितने भी ये सब्सक्राइबर या हम जैसे लोग जितना इस बात को बढ़ाएंगे, गालियां देंगे, तो भाई उन लोगों को वो बात लगेगी और फिर वो बढ़ेगी, सीधी सी बात यह है। तो मेरा मानना यह है कि दूर रहो, उनका कंटेंट इंजॉय करो, ये लड़ाई वड़ाई मत करो भाई, यूट्यूब लड़ाइयों के लिए नहीं है, यूट्यूब सिर्फ कंटेंट के लिए है, कंटेंट करो, गालियां वालियां मत दो यार, इंजॉय करो भाई, क्या रखा है यार, गालियां वालियां मत दो, और ठीक है बस इंजॉय करो भाई, इतना ही कहना था। मुझे मैसेज मत करो कि भाई इस पे बताओ, क्योंकि मेरा तो खुद का चैनल छोटा सा है यार, अभी तो मैंने बस शुरुआत की है, तो बस मेरा ये था। और मेरे तो सब्सक्राइबर वैसे कोई ज्यादा है भी नहीं, पर जितने भी है मेरे प्यार हो तुम लोग, तो गालियां वालियां मत देना। तो इस व्लॉग को मतलब सक्सेस वाला व्लॉग हो गया था ये, इसको करता हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन मौज लो रोज लो, ना मिल तो खोज लोगे, और कंट्रोवर्सी से दूर रहो यार, कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए, कंट्रोवर्सी मत करो, कंटेंट बनाओ, इंजॉय करो, और वो भी कर रहे हैं तुम भी करो, गालियां मत दो और इंजॉय करो।